हेलो दोस्तों, मैं क्रांति कुमार। आज मैं अपना यूट्यूब चैनल पे लाइव जा रहा हूँ और मेरा चैनल का नाम है चंदन IAS रिसर्च सेंटर TCT। दोस्तों, आज मैं कुछ बिहार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बोर्ड पे बिहार का स्थापना जब हुआ था, कब हुआ था, कुछ परिचय दे देता हूँ अपना बिहार का। बिहार का स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का स्थापना हुआ था। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। और बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो स्पैरो है, गोरैया है दोस्तों। और बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। और बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो मांगूर है दोस्तों। बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 32,84,263 वर्ग किलोमीटर, सॉरी, बिहार का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। और दोस्तों, बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई है कितना है दोस्तों? तो 483 किलोमीटर है दोस्तों। और उत्तर से दक्षिण का लंबाई है 343 किलोमीटर दोस्तों है। और दोस्तों, सबसे जनसंख्या में बिहार में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो पटना है। और सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ जिला में बिहार में है? तो रोहतास जिला है दोस्तों। और दोस्तों, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है बिहार में? तो सबसे ज्यादा बारिश जो बिहार में होता है दोस्तों, जो किशनगंज में होता है दोस्तों। और सबसे बड़ा गर्म जिला कौन सा है बिहार में दोस्तों? तो गया है। और सबसे ठंडा जिला भी गया है दोस्तों। और बिहार में जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो पटना है दोस्तों। तो कुछ जो दोस्तों, हम आज जो बिहार में प्रमंडलों की संख्या है जो 9 है दोस्तों, और अनुमंडलों की संख्या है जो 101 है दोस्तों। और दोस्तों, आज जो मैं सबसे पहले बिहार में सबसे पहले प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? चीफ मिनिस्टर कौन बना था दोस्तों? CM कौन बना था सबसे पहले पुरुष में? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बना था। और महिला में सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी बनी थी दोस्तों। और अभी प्रेजेंट में जो है श्री नीतीश कुमार जी हैं अभी मुख्यमंत्री बिहार के हैं। और डिप्टी CM जो है तेजस्वी यादव है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लाइव जा रहे हैं, कुछ अपने बोर्ड पे चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में कुल 9 प्रमंडलों के अंतर्गत 38 जिले, कितने जिले? 38 जिले। 38 जिले के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ अपने बोर्ड पे। सारे जितना जो देख रहे हैं आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो आज जो है मैं बिहार में कुल 9 प्रमंडलों के अंतर्गत 38 जिले आते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों? पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। पटना प्रमंडल के में कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो 6 जिले आते हैं। उस 6 जिलों के नाम आपको हम बता रहे हैं अपने बोर्ड पे। पहला है पटना, और दूसरा है नालंदा, तीसरा है रोहतास, चौथा है कैमूर, और पांचवा है भोजपुर, और छठा है बक्सर दोस्तों। तो ये 6 जिले हैं जो पटना प्रमंडल में आते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो है मगध प्रमंडल दोस्तों। अब आ जाइए मगध प्रमंडल में। मगध प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं मगध प्रमंडल में? 5 जिले आते हैं दोस्तों। पहला है गया, दूसरा है जहानाबाद, तीसरा है अरवल, और चौथा है नवादा, और पांचवा है क्या दोस्तों? तो औरंगाबाद है दोस्तों। तो मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं दोस्तों, 5ों जिलों के बारे में बता दिए। अब आ गया भागलपुर प्रमंडल दोस्तों। कौन प्रमंडल? बिहार में भागलपुर प्रमंडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भागलपुर प्रमंडल में कितने हैं? तो 2 जिले हैं दोस्तों। कितने हैं? 2 जिले हैं, भागलपुर प्रमंडल और बांका प्रमंडल, सॉरी, भागलपुर जिला और बांका जिला दोस्तों, 2 जिले हैं। और इसके बाद दोस्तों तिरहुत प्रमंडल आ गया। तो सबसे बड़ा जो है प्रमंडल है तिरहुत प्रमंडल, और पटना प्रमंडल आता है। सबसे बड़ा प्रमंडल में अगर पूछेंगे बिहार में कौन सा है, तो तिरहुत प्रमंडल है और पटना प्रमंडल है। इसमें 6-6 जिले आते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो है मुंगेर प्रमंडल जो है, इसमें भी 6 जिले आते हैं। तो 3 गो इम्पोर्टेंट हमारे बिहार में जो प्रमंडल है, तो एक मुंगेर प्रमंडल है उसमें 6 जिले आते हैं, पटना प्रमंडल है उसमें 6 जिले आते हैं, और इसके बाद है दोस्तों, और इसके बाद मुंगेर प्रमंडल, पटना प्रमंडल, और इसके बाद है तिरहुत प्रमंडल।
There are three types of six districts in Bihar. दोस्तों तो आज हम जो तिरहुत प्रमंडल के बारे में फिर आप बता रहे हैं, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, 6 जिले में कौन कौन से जिले हैं उसके बारे में, मुजफ्फरपुर आता है, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण और वैशाली आता है दोस्तों। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, तो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण और वैशाली आते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम दरभंगा प्रमंडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो जहां से मैं निवास कर रहा हूं, दरभंगा प्रमंडल में रहता हूं, तो इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले हैं। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 3 जिले हैं। तो दरभंगा पहला हो गया, दूसरा हो गया मधुबनी और तीसरा हो गया समस्तीपुर। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है दरभंगा में, दरभंगा प्रमंडल में इम्पोर्टेंट है मधुबनी जिला हमारे बिहार में, और पूरे हमारे बिहार में जो मधुबनी जिला जो है, और पूरे हमारे भारत में या हो पूरे विश्व में, यह मधुबनी जिला जो डिस्ट्रिक्ट है नामी है दोस्तों। किस लिए? तो प्रिंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में नाम कमा रहा है, और यह पर्व और त्यौहार पर घर पर लोग क्या करते हैं, प्रिंटिंग बनाते हैं, मतलब पेंटिंग करते हैं लोग अपने दीवार पे, अपने घर पे, और लोग क्या कहा बस गाड़ी पे पेंटिंग करते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों कोसी प्रमंडल के बारे में जानते हैं। कोसी प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। कोसी प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। सारण है, पहला है सारण, सुपौल, दूसरा है सुपौल और तीसरा है मधेपुर। 3 गो प्रमंडल है कोसी प्रमंडल में दोस्तों। 3 गो जिले हैं, सारण है, सुपौल है और मधेपुर है। अब दोस्तों आइए पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं पूर्णिया। दूसरा हो गया अररिया, तीसरा हो गया किशनगंज और चौथा हो गया कटिहार दोस्तों। अब दोस्तों आइए सारण प्रमंडल दोस्तों। कौन सा प्रमंडल? सारण प्रमंडल दोस्तों। तो सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन? सारण जिला, इसके बाद सीवान जिला और इसके बाद गोपालगंज दोस्तों, गोपालगंज जिला। ये 3 जिला आते हैं सारण प्रमंडल में दोस्तों। और मुंगेर प्रमंडल में दोस्तों 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं दोस्तों मुंगेर प्रमंडल में। पहला है मुंगेर जिला, इसके बाद लखीसराय हो गया दोस्तों, इसके बाद शेखपुरा हो गया, जुमोई हो गया और खगड़िया हो गया दोस्तों, और बेगूसराय हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट जिला है हमारे बिहार में, इम्पोर्टेंट जिला है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर लिए हैं दोस्तों। और सबसे ज्यादा जो बारिश हो रही है किशनगंज जिला में होता है सबसे बारिश ज्यादा बिहार में दोस्तों, सबसे ज्यादा दोस्तों बिहार में किशनगंज जिला में दोस्तों बारिश सबसे ज्यादा हो रही है दोस्तों। और गर्म जो जिला है गया जिला है दोस्तों। और बिहार में कितने नगर निगम की संख्या है? तो 11 नगर निगम है दोस्तों। नगर निगम अगर पूछता है बिहार में कितने नगर निगम है, तो 11 नगर निगम है दोस्तों। कितने बिहार में नगर निगम है? तो 11 नगर निगम है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।